Hi everyone and welcome to Unacademy. Welcome to this channel that is Class Apart. And I hope you have subscribed to the channel for getting all the updates. Okay, so my name is Smriti. I am your science educator on this channel and I welcome you. And I'm here to, you know, solve all your doubts. Okay, so no worries. And this is my introduction. I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. I have more than 4 plus experience now and 6 to 12 classes ke liye. I mentored over thousands of students now. And now I am here aur main hu aapki science educator aur abhi filhal main 7 students ko padha rahi hu is channel mein. Theek hai? So aaj hum baat karenge chapter number 12 ki. So we have already done from chapter number 1 to chapter number 11 wo bhi one shot. Theek hai? One shot hum kar chuke hain sare chapters ka. So agar aapne nahi dekhi hai so please check out my playlist. ठीक है, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट उठाओगे ना तो आपको सारे चैप्टर्स फ्रॉम 1 टू 11 आपको एक साथ मिल जाएंगे, वो भी वन शॉट. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 12. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कैसे कैसे तरीके से क्या क्या मेथड्स है फॉर द रिप्रोडक्शन इन आवर प्लांट्स. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, अदर द मेथड्स लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन. वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स in animals and as well as in plants, right? So we are going to specifically aaj hum sirf reproduction ki baat karenge in this chapter, that is chapter number 12. To aage badhte hain aur dekhte hain ki aaj hum kya kya karne wale hain. To aaj hum karne wale hain, first of all we'll start with some introduction and then we'll move on to the types of reproduction. Kaun kaun se tarike hain reproduction ke aur unke liye kya kya methods hain aap sabke. ठीक है, देन एसेक्सुअल ऑफ कोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. देन यू हैव फ्रूट, फ्रूट कैसे बन जाता है, फ्रूट कैसे हमारा कोई भी प्लांट फ्रूट कैसे बेयर करता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स. एंड देन यू हैव योर सीड्स जर्मिनेशन. ठीक है, सीड्स जर्मिनेशन इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. सो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट हो ना बच्चा, इसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन एक्चुअली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो कोई सा भी डाउट अगर आपको आता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वन शॉट. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आई विल रिप्लाई टू यू, नो वरीज. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, व्हेन आई टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन तो उसका मतलब क्या होता है. All the living organism, including your plants, you, animals, everybody has to reproduce. Because अगर हम reproduce नहीं करेंगे तो हमारी ही species आगे कैसे बढ़ेगी. ठीक है, ऐसे तो होता कि फिर कोई भी एक man या woman या कोई भी एक plant या कोई भी एक animal होता, उसकी species कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाती. कोई evolution कुछ नहीं देख पाते आप, क्योंकि वो species वहीं पर रुक जाती, वो स्पीशीज आगे कभी बढ़ ही नहीं पाती अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो. है ना, तो आगे जो इतनी सारी तुम्हें पॉपुलेशन दिख रही है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज तुम्हें दिखती है एंडेंजर्ड होती है, एक्सटेंट हो जाती है या अभी भी होती है वो स्पीशीज, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड रिप्रोडक्शन के साथ साथ ऑफ स्प्रिंग में जो कि नया न्यू बॉर्न बेबी हो या न्यू बर्ड हो, जो भी हो प्लांट का जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें क्या अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं, हम सब कैसे स्टडी कर पाते हैं सब आफ्टर रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तभी तो स्टडी करेंगे ना एवोल्यूशन भी. सो सिमिलरली यही चीज थी आपकी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, दे हैव टू रिप्रोड्यूस. अनदर क्वेश्चन इज हाउ. ठीक है, सो हैव द केपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, या लाइक योर पेरेंट यू डी कॉल, वी ऑल हैव पेरेंट्स, राइट? पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, हम बॉर्न हुए, राइट? ये क्या हुआ आपका रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू हमने मतलब हम आपकी स्पीशीज आपकी आगे बढ़ रही है, आपकी जो ह्यूमन स्पीशीज है वो आगे बढ़ रही है. सो जो ह्यूमन बींग्स है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल रिप्रोड्यूस ओनली टू गिव ऑफ स्प्रिंग्स सो दैट जनरेशन आगे बढ़ सके. The new individual produced are the copies of their parents, and the process of reproduction is one of the important life processes and essential for the continuity of the species. Like I said, agar continue karna hai species ko aage next generation tak, so they have to reproduce. Okay, so this is very very essential. Now moving on, thus a reproduction makes the life continuous,
and which is not only essential for the survival of an organism, but it is also very necessary for the perpetuation or preservation of the species because it increases the number of members of a species. Now, what do you understand by this? Now, it is written that reproduction is important for the continuity of the species, but it is also important for the survival of an organism. ऐसा नहीं होगा कि एक ही अकेला organism होगा और वो survive कर जाएगा. We need people around us, right? We need other animals as well. ऐसे कुछ नहीं है, हम सब पे dependent भी है, कुछ part पे हम independent भी है. But the thing is, हमें अगर survive करना है, so we require a certain amount of species, ठीक है? Certain amount of organism around us of similar kind, ठीक है? So preservation के लिए you need to increase the number of members of species. So there are two points now, ठीक है? To survive and for the continuity, you need to reproduce, ठीक है? So these are the two points that you have to keep in mind कि why reproduction is so essential or it is so necessary for our survival. Okay, so moving on, this was a little introduction about what is reproduction and what we are going to study in the later slides. Now let's move on and let's discuss about the modes of the reproduction. Now there are two kinds of reproduction. One is asexual reproduction and the other one is sexual reproduction. Now what do you understand by asexual and what do you understand by sexual reproduction? Talking about asexual reproduction, now we are going to discuss about only plants, okay? So yeah, plants mein you must have seen, yeah, in class 6 you have discussed about vegetative parts like buds, stem, roots. ये सारे हमारे vegetative parts होते थे, ठीक है? जो directly कभी भी reproduction नहीं करते थे, like your male reproductive parts जो होते हैं, female reproductive parts जो होते हैं plants के, वो तो सीधे sexual reproduction करते हैं, like उनका zygote बनता है, fertilization होता है, then they produce a seed and then later fruit. The thing is that is sexual reproduction, ठीक है? But asexually अगर कोई reproduction कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? So they are using vegetative parts. They are using vegetative parts of a plant for the asexual reproduction. तो वो कौन से हैं? वो है आपका buds, stem या roots. Okay, so these are the vegetative parts of a plant that are used for the asexual reproduction. Okay, whether it's your bud, stem, your roots, they all are used for the asexual reproduction. Now in sexual reproduction, male and female reproductive parts kaam aate hai in sexual reproduction, that we are going to discuss about it. Don't worry. Okay, so abhi hum start karte asexual reproduction se. Okay. सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने बात करी आपकी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल की. सो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जैसे रूट्स, जैसे मैंने आपको बताया रूट, स्टेम, लीव्स, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन. वी ऑल नो व्हाट डू योर स्टेम्स डू. हम सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर है, सब कुछ स्टेम्स के थ्रू पहुँचता है. रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, एवरीथिंग, ठीक है? लीव्स आपका सारा फोटोसिंथेसिस से लेके सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है. सो दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट? पर उसके अलावा वो कहाँ काम आ सकते हैं? दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये सारे तीनों मिला के हम इन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? लेट मी हाईलाइट दिस. इन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके, सो यस, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ द प्लांट्स बेयर द फ्लावर्स एंड दीज फ्लावर्स डेवलप इन टू फ्रूट्स एंड सीड्स. एंड यही पार्टिसिपेट करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है? इन्हें कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स कोई फ्यूजन नहीं करते, फ्यूजन ऑफ डिफरेंट योर गेमीट्स, लाइक लेट मी एक्सप्लेन दिस. व्हेन देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, गैमेट्स मतलब फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है? तो जब भी फ्यूजन आपको दिखता है ना बच्चों, जब भी आपको फ्यूजन दिखता है, दैट मींस इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? इन पार्ट्स को हम कहते हैं फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है? इसमें हो क्या रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फीमेल और मेल का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है? अगर ऐसा होता है
तो देन वी हैव टू कॉल दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. बट वेन आई टॉक अबाउट योर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देन आई एम टॉकिंग अबाउट योर रूट्स, स्टेम्स, बड्स एक्सेट्रा. ऑफकोर्स ये आपके क्या है, वेजिटेटिव. ये क्या है आपके, वेजिटेटिव पार्ट्स. आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट पार्ट, ठीक है. वेजिटेटिव पार्ट्स हम इन्हें कहते हैं. रूट, स्टेम्स, बड्स हेल्प करते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता गेमीट्स का. ठीक है, इसमें हम रूट्स को और स्टेम्स को और बड्स को कटिंग एंड लेयरिंग या ग्राफ्टिंग अलग अलग मेथड से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बट नॉट एट ऑल फ्यूजन. ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हाट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो यस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को सेक्सुअली करना है तो सेक्सुअली करेगा. ठीक है, अगर किसी को एसेक्सुअल के थ्रू जाना है तो एसेक्सुअल के थ्रू भी हम उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. देयर आर सम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, बट लेट्स जस्ट नॉट गो देयर. और अभी इसमें फोकस करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे, एंड इन प्लांट्स देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस वन बाय वन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाइक आई सेड, देयर इज नो फ्यूजन इन इट. कोई फ्यूजन देखने को नहीं मिलता आपको गैमेट्स का. सो अब हम कैसे रिप्रोड्यूस करें बेसिकली. अगर हम फ्यूजन करके गैमेट्स का कोई जायगॉड या फर्टिलाइजेशन नहीं दिखा रहे, सो दैट अ सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड, उसके ऊपर फिर फ्रूट उगेगा और फिर उसके बाद आपका पूरा प्लांट ग्रो होगा वापस से, दैट इज योर ऑफस्प्रिंग, जो कि उसी पेरेंट प्लांट से आया है. द थिंग इज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फ्यूजन. वी हैव लर्न ऑलरेडी, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, देयर इज नो फ्यूजन. ओके, एसेक्सुअल में फिर और कौन से मेथड्स लेके आऊँ कि वो रिप्रोड्यूस हो सके, वो अपना ऑफस्प्रिंग दे सके. नाउ द प्रोसेस इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, इट इज सेड दैट देयर इज ओनली वन पेरेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर नो टू पेरेंट्स फॉर दैट. ठीक है, only one parent is involved and they have to produce their same kind, matlab apne hi kind ka offspring unhe produce karna hai with different methods of course, but there is only one parent, so we have to think about something ki fusion to ho nahi sakta, but ek hi parent kaise produce kar sakta hai. theek hai, so in plants asexual reproduction results in the formation of offsprings or new plants without seeds or spores, matlab bina seeds ke they are producing their offsprings, right? बिना seeds के produce कर रहे हैं, बिना seeds के formation के they are producing अपने ही kind का एक plant वापस से. they are doing the continuous process और अपनी continuity maintain कर रहे हैं अपनी species की by reproducing but in a asexual manner. okay, so there are no seeds involved, there is no fusion and only one parent. ठीक है, only one parent, no fusion, no seeds involved. now let's see how it is done. okay, now you can see a picture here. so I'll discuss about the cutting and whatever layering things that you have to do in asexual reproduction, but this is just one example. okay, let's move on and what are the methods for it. now asexual reproduction in plants occurs through following methods. first one is your vegetative propagation. we'll discuss about this one by one, don't worry. Vegetative propagation is the first one that you can do for the asexual reproduction of any plant. Then is your budding. Then they go for budding sometimes. Okay. Then third one is fragmentation. That is fragmentation hota kya hai? Fragments mein break kar dena. Fragments mein break kar dena is your fragmentation. Basically, agar koi bhi species, koi bhi plant is going for fragmentation, then it means that they are breaking themselves into different pieces. ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू छोटे छोटे पीसेस, दैट इज फ्रेगमेंट्स. छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, उन्हें हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. देन यू हैव योर स्पोर फॉर्मेशन. आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे से स्पोर्स उग जाते हैं और फिर वो बर्स्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन चालू हो जाता है. मतलब ये जब बर्स्ट होते हैं तो ये अपना ही क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं.
ठीक है. तो देर इज स्पोर फॉर्मेशन, देर इज फ्रेगमेंटेशन, देर इज बर्डिंग, देर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके, नाउ इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बच्चा, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज वेजिटेटिव यूनिट्स. ऑफ वेजिटेटिव लिखा हुआ है तो उन्हीं के यूनिट्स यूज करेंगे, उन्हीं के पार्ट्स यूज करेंगे. That was your bud, stem, etc., root also. Now these vegetative units are called propagules. उन्हें हम एक और तरीके से बुलाते हैं, that is propagules. इन्हीं vegetative units को हम एक और तरीके से बुलाते हैं, that is your propagules. Okay. Now vegetative reproduction may take place using various plant parts as given below. Now जब vegetative propagation की हम बात करते हैं ना बच्चा, तो वो अलग अलग method से हो सकता है, like stem, it can happen through roots. It can also happen through your leaves. तो अलग अलग parts ले सकते हैं vegetative के, जितने भी parts हैं हम वो सारे parts लेके reproduction कर सकते हैं asexually. Asexual method use कर रही हूँ मैं, ठीक है, कोई fusion नहीं हो रहा, but I am using different parts of your vegetative parts, जो जिनके अंदर वो आते हैं vegetative parts, जिन्हें हम कहते हैं stem, roots, leaves, उन्हीं को use करते हुए मैं vegetative reproduction करूँगी. Now the first one is your stem. How to use a stem for asexual reproduction. Now, before moving, you have to understand that ki vegetative parts use kar rahi hu main for the reproduction and kaun sa part kaise maine kiya hai wo aapko dhyan rakhna hai. Sirf isme itna hi hai, vegetative propagation is much easier and budding hai uske baad aapka, uske baad spore formation hai, wo bahut easy hai. ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अलग अलग पार्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो हर पार्ट का आपको मेथड याद होना चाहिए, हर पार्ट का आपको प्रोसीजर याद होना चाहिए कि मैंने किया कैसे था. ठीक है, अगर हम कुछ भी इसमें गड़बड़ करते हैं ना, दोबारा से प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा. ठीक है, जो हमारा एम था. ओके, सो यस, यू कैन गिव इट अ रीड. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Okay, yes, thank you. Vegetative reproduction by stem. Now, the stems or branches of a plant normally bear the buds in the axil. Now, what do you understand by axil? Axil is the point of attachment of a leaf at the node. What do you understand by node? If you remember in 6th class, you have already studied about internodes and nodes, right? It is a point, jab aap dekhte ho na aise, aise aapka jo petiole hota hai leaf ka, and it is connecting to the stem. तो जो वो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नोड, और जो दो नोड्स के बीच का एरिया होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड. तो नोड इज अ पॉइंट वेयर योर पेटियोल ऑफ द लीफ इज कनेक्टेड टू द स्टेम. ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लीफ एट द नोड इज एक्चुअली नोन एज योर एक्सिल पॉइंट एज वेल. ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे एक्सिल भी बोल सकते हो, बट आपको मैं समझा रही हूँ कि कौन सा एरिया की बात कर रही हूँ, मैं नोड वाले एरिया का. ठीक है, द बड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एक्सिल डेवलप्स इन टू द शूट. तो बेसिकली आपने अगर बर्ड नहीं देखा तो आपने कई बार देखा होगा कि एक छोटा सा ऐसे से निकल रखा होता है. ठीक है, हल्की सी कवरिंग होती है उसकी. ठीक है, और यही धीरे धीरे करके वो पूरा फ्लावर बन जाता है या पूरा प्लांट बन जाता है विद ऑल द स्टेम्स एंड एवरीथिंग. इसी बर्ड, यही बर्ड लास्ट में ग्रो होके पूरा शूट सिस्टम बना लेता है, पूरा वापस से शूट सिस्टम बनाने की पूरी कैपेबिलिटी होती है उसकी, पूरा एक नया प्लांट बनाने की. तो ये जो बर्ड हमें दिख रहा है, अगर हम इसे कट कर लें तो वी कैन डू समथिंग. ठीक है, ये शूट में कन्वर्ट हो सकता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शूट? शूट का मतलब होता है, लेट मी जस्ट टेल यू दिस. दिस इज द पार्ट, राइट? दिस इज योर प्लांट. This is your plant and ये हो क्या रहा है, यहाँ ये जो ऊपर का पार्ट है ना बच्चा आपका, ये पूरा शूट सिस्टम है. ये पूरा क्या है आपका? शूट सिस्टम. ठीक है, ये पूरा आपका शूट सिस्टम है. एंड जो नीचे का पार्ट है, जो सरफेस के नीचे है आपका, विथ कंटेनिंग ऑल द रूट्स, वो तो आपका रूट सिस्टम हो गया जो नीचे का है. ठीक है,
तो ऊपर का पार्ट इज योर शूट सिस्टम, जो सरफेस के ऊपर रहता है, जो भी सरफेस के ऊपर है उस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम. ओके, सो यस, दिस इज योर शूट सिस्टम. एंड ये इसी की बात मैं कर रही हूँ कि जो बर्ड है आपका छोटा सा, वो बाद में डेवलप हो सकता है पूरे शूट सिस्टम. ओके, सो लेट मी हाईलाइट दिस. एंड या तो दीज आर द वेजिटेटिव बर्ड्स जिनके हम बात कर रहे थे वेजिटेटिव पार्ट की. सो वेजिटेटिव बर्ड्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, ठीक है. एंड दीज बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग ऑफ द लीव्स आर फोल्डेड. दीज कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है. ये प्रोड्यूस कर सकते हैं एक नया प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली बाय स्टेम. ओके, अरे अगर आप स्टेम को कट कर दो और उसके ऊपर अगर बर्ड हो ऑलरेडी और उसमें छोटी छोटी लीव्स हो ऑलरेडी जो फोल्ड हो रखी है, अभी अभी पूरी ग्रो नहीं हुई है, तो उससे क्या होगा, एक पूरा शूट सिस्टम, पूरा प्लांट ग्रो हो सकता है. लेट मी शो यू दिस, ठीक है. तो अगर आप ऐसा करो, देखो ये है आपका जो टॉप पे बर्ड है, ठीक है, हम कह रहे हैं टर्मिनल बर्ड, ठीक है. और जो आपके छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो कॉर्नर में बिल्कुल ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं लेटरल बर्ड्स. दो तरीके के बर्ड्स होते हैं आपके, एक जो बिल्कुल टॉप में है वो है आपका टर्मिनल, जो कि एंड में है बिल्कुल, और जो आपके बीच बीच में है उन्हें हम कहते हैं लेटरल बर्ड्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लेटरल बर्ड्स. ओके, एंड ऑल्सो ये आपकी लीफ है, ये आपका पेटियोल है, एंड दिस इज योर स्टेम. बीच का पार्ट क्या है आपका, पूरा का पूरा स्टेम. सो आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चा कि मैं किसको मार्क कर रही हूँ किसको नहीं. दिस इज ऑल्सो अ बर्ड एंड दिस इज ऑल्सो अ बर्ड, ठीक है. हमें बस ध्यान रखना है कटिंग करते हुए कि उसमें बर्ड है कि नहीं है, ठीक है. तो लेट्स सी. सो सबसे पहले जो मैं बताई थी स्टेम का कैसे कैसे हो सकता है, अगर हम स्टेम के थ्रू कर रहे हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं. अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रही हूँ ऑफ स्टेम, तो कौन कौन से मेथड है. सबसे पहले आपका कटिंग मेथड. कटिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेम इज रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ. वो कह रहा है कि इन दिस मेथड The small part of the stem is removed by cutting with a sharp knife. Sharp knife से एक हल्का सा portion, छोटा सा stem का portion ले लिया जाता है, उसे cut कर दिया जाता है, ठीक है. Now the lower end of the stem cutting is buried in. अब आप cut करोगे तो obviously जो stem का नीचे का part है cut हो चुका होगा, उसको क्या करना है, moist soil में अच्छे से उसको दबा के बरी करके उसको लगा देना है, ठीक है. The upper part of the cutting having the bud on it is kept above the soil. Of course, जो bud है and ये जो आपने cut किया है, ऐसे मान लो ये cut कर रखा है आपने, ठीक है. And हो क्या रहे हैं यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो bud है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये आपने यहाँ से cut कर लिया. अब cut करने के बाद you have to place this in a moist soil. बॉइस सॉइल में आपको ये अंदर रख देना है, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपको जो बर्ड वाला पार्ट है वो ऊपर ही रखना पड़ेगा, सो दैट इट कैन क्रिएट द होल शूट सिस्टम, ठीक है. आफ्टर फ्यू डेज दिस कटिंग डेवलप्स न्यू रूट्स. आप थोड़ी दिनों बाद देखोगे कि जो कटिंग आपने सॉइल के नीचे डाल रखी है वो नए नए रूट्स ग्रो करना शुरू कर देगा, और ऐसे अगर करना शुरू कर दिया उसने तो मतलब वो नए प्लांट में ग्रो होना चालू हो चुका है. The bud grows and produces a shoot that is branches and leaves. जो मैंने आपको बताया था वो थोड़े दिनों बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक छोटे से बर्ड ने पूरा प्लांट बना दिया विद रूट्स, थोड़े दिनों बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है. नाउ सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट रोज, ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से आपके, रोज है, चंपा है, ग्रेप्स है, शुगर केन है, बनाना है, कैक्टस है. यू कैन डू दिस विद ऑल दीज प्लांट्स. देखिए जो वेराइटी आपको बता रही हूँ मैं, इन सब का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय स्टेम थ्रू कटिंग मेथड, ठीक है. ओके, नाउ न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम बाय कटिंग मेथड्स लाइक दिस. जो मैं आपको बता रही थी कि आपको करना कैसे, यहाँ पर आपको कट करना है, ठीक है. ये कटिंग पार्ट आपको दिख गया, यहाँ पर स्टेम खुल चुका है, ठीक है. अब होगा क्या, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट दिस इन अ मॉइस्ट सॉइल. आप इसको पुट करोगे ना तो होगा क्या, आपको धीरे धीरे दिखेगा कि वो जो बर्ड था ना, छोटा सा बर्ड, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो होने लग जाएगा पूरे शूट सिस्टम में, और नीचे वाले पार्ट में सारा रूट आना चालू हो जाएगा. दिस इज योर कटिंग मेथड. दिस इज योर व्हाट, कटिंग मेथड, ठीक है. ये बहुत अच्छा मेथड है आपका.
अब इसमें कहीं पर भी आपको फ्यूजन देखा? नहीं ना, इसमें फ्यूजन होता ही नहीं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग मेथड तो हो गया बच्चा, बट और भी कोई मेथड है कि नहीं? अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन स्टेम इज बाय लेयरिंग। ठीक है, इन दिस मेथड अ मैच्योर ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज बेंड डाउन। इसमें होता क्या है बच्चा कि एक मैच्योर प्लांट होता है, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बेंड कर दिया जाता है, कोई सा भी ऐसा पार्ट जिसको हम बेंड कर सके। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बेंड करने के बाद कुछ ऐसे बेंड होते हुए जाएगा, मतलब इन शॉर्ट ये आपका प्लांट है, उसका एक पार्ट मैंने जान मुझे सॉइल से कुछ ऐसे ले गई सो दैट उसका जो ऊपर का पार्ट है जिसमें बर्ड्स वगैरह है वो ऊपर रहें, बट एक पार्ट यहाँ से जो स्टेम है वो नीचे बरी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लगा दूंगी सो दैट वो वहीं पर रहे। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि अपने आप में एक नए प्लांट में ग्रो कर गया। दिस मेथड इज नोन एज लेयरिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग है, एक मैच्योर ब्रांच लिया आपने जो ऑलरेडी ग्रो हो रही है प्रॉपर तरीके से पेरेंट प्लांट से, आपने उसे बेंड किया एंड कवर कर दिया सॉइल से, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। द टिप ऑफ द प्लांट इज केप्ट अबव द ग्राउंड। ये जो टिप है इसकी, जो पार्ट मैंने लिया है वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, एंड इट ग्रोज इन टू द न्यू प्लांट। लेयरिंग मेथड इज यूजली डन इन द प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस लाइक जैस्मिन। नाउ ये जैस्मिन में आप कर सकते हो लेयरिंग मेथड, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि जो स्टेम्स है इट हैज टू बी स्लेंडर, दैट मीन्स इट हैज टू बी फ्लेक्सीबल एंड थिन एंड लॉन्ग। जिनमें भी आपको ऐसे स्टेम्स दिखते हैं वी कैन गो फॉर लेयरिंग मेथड। ठीक है, हम वहाँ पर लेयरिंग मेथड में जा सकते हैं, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज योर जैस्मिन। ठीक है, नाउ द अदर पार्ट इज योर ग्राफ्टिंग। फर्स्ट लेट मी शो यू द लेयरिंग मेथड। दिस इज योर लेयरिंग मेथड। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, इसको किया बेंड, यहाँ पर इसको स्टे करने के लिए कुछ लगा दिया, और आप नोटिस करोगे खुद ब खुद जो आपने जो टिप ऊपर रखी थी ना सरफेस के, वो खुद एक नए प्लांट में ग्रो करने लग गया। ठीक है, दिस इज योर लेयरिंग मेथड। हमने कुछ कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपली उसको बेंड करके सॉइल में घुसा के एक नया प्लांट ग्रो करने की कोशिश करी। थोड़े दिनों बाद ये खुद ही कट आउट हो जाएगा, उसके अपने रूट्स निकल जाएंगी एंड इसके अपने। ठीक है, so, इस मेथड से हम एक किसी भी प्लांट का एक नया ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं थ्रू लेयरिंग मेथड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्राफ्टिंग। Now, what do you understand by grafting? Grafting is also a method of vegetative reproduction in stems, where the new plants of the desired quality is developed from two different plants. अब यहाँ पर क्या है, आप सोचोगे मैम यहाँ तो two different plants लिखा है तो क्या ये sexual reproduction है? नहीं, यहाँ पर दो different plants जरूर लिए गए हैं, but कैसे लिए गए हैं वो आपको देखना है। That is your grafting method. अब grafting method क्या होता है ना कि the part that has a shoot, जो shoot part है is called the सीजियन। सीजियन कहते हैं हम शूट पार्ट को, एंड जो पार्ट आपका रूट वाला उसे हम कहते हैं स्टॉक। नथिंग इज शूट पार्ट में कहाँ से ले रही हूँ, जो ऊपर का पार्ट है, और रूट पार्ट में कहाँ से ले रही हूँ वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूट पार्ट को मैं कहती हूँ स्टॉक और शूट पार्ट को मैं कहती हूँ सीजियन। ठीक है, मैं इसको जरा डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, ये दो। तो सीजियन एंड जो स्टॉक है, जो आपका शूट एंड रूट पार्ट है, वो मैं दो अलग प्लांट से ले रही हूँ और फिर उन्हें कट करके ज्वाइन कर रही हूँ सो दैट आई कैन मेक अ प्लांट ऑफ डिफरेंट यू नो प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। ठीक है, एक ऐसा प्लांट मैं बना रही हूँ जिसके अपने अलग फीचर्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने दो प्लांट से, एक से मैंने शूट ले लिया और एक से मैंने रूट ले लिया, तो अगर मैं दो प्लांट यूज कर रही हूँ टू मेक अ प्लांट हैविंग डिफरेंट फीचर्स, उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड। और जो शूट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सीजियन, एंड जो रूट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है, आई एम सो सॉरी आई हैव रिटन इट फ्रॉम अ हाइलाइटर, बट आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल दैट आई एम टेकिंग टू डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, लेट मी यूज पेन। सो आई एम टेकिंग टू डिफरेंट पार्ट्स One part is shoot, other part is your root, and I am taking these two parts from two different plants. ठीक है, and इन्हीं को combine करके I'll make a plant. I mean, grow हो जाएगा एक नया plant having different features, combined of both of course. Now, season and basic requirements आपकी, ये सब हम कहाँ कर सकते हैं? Apple में, mango में, rose में, etc. ठीक है, let me show you this.
ग्राफ्टिंग मेथड मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने कहीं और से लिया है, ये पार्ट मैंने कहीं और से लिया है। आप चाहो तो सेम टाइप का प्लांट भी ले सकते हो और सेम टाइप के प्लांट में दो अलग प्लांट यूज कर सकते हो। लाइक मैंने रोज ही दो लिया, ठीक है, एक प्लांट आपका रोज है, दूसरा प्लांट भी आपका रोज है, ठीक है। आपने क्या किया, शूट वाला पार्ट इससे लिया और रूट वाला पार्ट इससे ले लिया, ठीक है। और हुआ क्या, आपने इसको ऐसे कंबाइन कर दिया और रैप कर दिया वैक्स से, सो दैट दे जॉइन, ठीक है, वो जॉइन हो जाए। आपने क्या किया, रैप कर दिया वैक्स से, ठीक है। इससे हुआ क्या, वो जॉइन हो गए और शूट पार्ट बल्कि अलग था, रूट पार्ट बल्कि अलग था, फिर भी वो हमने वैक्स से उसको चिपका दिया बीच में। दैट इज योर ग्राफ्टिंग मेथड, इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग मेथड, वेयर द शूट एंड द रूट पार्ट आर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। Now let's talk about vegetative reproduction by leaves. Now we have discussed about stems. Now let's go to your leaves. Okay? Okay. Give me a minute. Okay, so sorry about this. Vegetative reproduction by leaves. Now, if I talk about leaves, बच्चा, तो leaves में क्या होता है, ये देखो, आपको ये जो मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, छोटे-छोटे buds leaves के, ये से कहते हैं leaf buds. इसे हम कहते हैं leaf buds grow होते हुए दिख रहे हैं आपको, एक leaf के through ही leaf buds grow हो रहे हैं. Now, vegetative reproduction by leaves, इससे आपको क्या समझ आता है? When the leaf of some plants are buried into the moist, I'm so sorry, this is buried into some moist soil, the cut edges or margins, जो margin कहते हैं ना, इसे कहते हैं margin, ये आपका margin होता है। तो आप देखोगे leaves के margin में से you develop a new plant that resemble to the parents. Of course, जो नया plant है वो किसको resemble करेगा, आपके parents को ही, है ना, parents को ही करेगा। तो नया, यहाँ से नया plant निकल किस part से रहा है, वो major चीज़ है। Now the thing is, कटिंग एजेस एंड मार्जिन जो है वो आपका बिल्कुल एक कॉर्नर आउटर लाइनिंग होती है, वहां से आपको लीव बर्ड्स उगते हुए दिखेंगे। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ लीव्स, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका है बायरोफाइलम, ठीक है, और स्प्राउट लीफ प्लांट भी होता है। तो यहाँ पर हमेशा ऐसे देखने को मिलता है कि नए प्लांट्स लीव से, लीव के मार्जिन से ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ बाय लीव्स, ठीक है। Let's move on to vegetative reproduction by roots and buds. Now, what do you understand by this? Now, vegetative reproduction by roots and bulbs is something like, जैसे कि आपने sweet potato देखा है, आपने sweet potato देखा होगा, ठीक है। तो sweet potato में क्या होता है बच्चा, कि जो vegetative reproduction है by roots and bulbs, now the thing is, इसमें क्या होता है कि जो आपका रूट पार्ट होता है ना, उसको उसी में आप देखोगे कि एक नया शूट ग्रो हो रहा होगा। यहाँ पर एक नया शूट खुद ब खुद ग्रो होने लग जाता है, ये नया शूट ही एक नया प्लांट है, ठीक है। ओल्ड स्टेम गिरा ऊपर का एंड नया शूट आपको यहीं ग्रो होते हुए दिखेगा, ठीक है। ये रहे आपके छोटे छोटे बर्ड्स और वहीं पर शूट ग्रो होने लग गए, ये तो आपके सोयलन रूट्स हैं, ठीक है। सो इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो या डालिया, अ न्यू प्लांट डेवलप्स थ्रू द रूट्स एंड बल्ब्स, ठीक है। ये हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स एंड बल्ब्स, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अ फैक्ट, प्लांट्स लाइक कैक्टाई प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, ईच डिटैच्ड प्लांट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। द थिंग इज, कैक्टस आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, तो कैक्टस का कोई भी पार्ट अगर हम कट करके, डिटैच करके, वेदर इट्स स्टेम, रूट या लीव्स, अगर हम कोशिश करें तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैक्टस का कोई भी पार्ट आई कैन यूज इट फॉर ग्रोइंग अ न्यू प्लांट, ठीक है। सो यस, न्यू प्लांट के लिए आप कोई सा भी पार्ट ले सकते हो कैक्टस का, एंड इट कैन ग्रो इनटू अ डेफिनेटली न्यू प्लांट जो कि उसके तरह, जो पेरेंट के तरह, ठीक है, जो पेरेंट्स के तरीके का होगा। आप नए प्लांट को देखोगे ग्रो होते हुए फ्रॉम एनी पार्ट, जो भी पार्ट आप यूज़ करोगे कैक्टस का, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट,
that is advantages of using vegetative propagation. What are the advantages of using vegetative propagation? Now, plants produce, जो भी हम vegetative propagation use कर रहे थे, from stems, from roots, from leaves, उसमें हमें क्या फायदा होता? Now, plants produced with vegetative reproduction takes less time to grow. सबसे main चीज़ है कि इसमें बहुत कम time लगता है. It takes less time to grow and bear flowers and fruits, of course. Earlier than those produced from the seeds, the new plants are exact copies of the parent plant because they are produced from a single parent. एक तो exact copies निकलती हैं क्योंकि वो single parent से ही हमने एक ही parent से use करा है. हमने ऐसा नहीं करा ना कि दो plants लिए हैं कि कोई difference है. ठीक है, हमने एक ही plant, I mean एक ही parent plant से किया है reproduction, right? एक ही single parent से हमने reproduction करी है. ठीक है, सो एक ही सिंगल पेरेंट्स हमने अगर यूज करा है, अगर सिंगल पेरेंट इज यूज, दैट मींस कि जो भी फीचर्स सिंगल पेरेंट के होंगे वही तो ऑफस्प्रिंग में आएंगे, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग टू पेरेंट्स. ठीक है, कि रिप्रोडक्शन, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो होते हैं आपके. ठीक है, तो जो भी फीचर्स दोनों के होंगे उस हिसाब से आपका ऑफस्प्रिंग आएगा, जैसे कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में भी होता है. बट इन सिंगल पेरेंट की कंडीशन में जो भी फीचर्स सिंगल पेरेंट के हैं वही आपको ऑफस्प्रिंग में दिखेंगे. ठीक है, so the new plants are exact copies of the parent plant because they are produced from a single parent. तो ये हमें फायदा होता है कि अगर हमें exactly same चाहिए, so हम vegetative propagation, that is sexual reproduction, asexual reproduction के तरफ हम जा सकते हैं. asexual reproduction के तरफ हम जा सकते हैं from vegetative propagation method. तो अगर हमें exact copy चाहिए तो ये फायदेमंद है. second is takes less time to grow and bear the fruits and flowers. कम टाइम लगता है इनको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में ग्रो होने में. ठीक है, तो ये दोनों ही आपके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं फ्रॉम योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. चलिए बडिंग देखते हैं. दिस इज द सेकंड मेथड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ द थिंग इज, इन दिस प्रोसेस अ डॉटर इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी. That is called a bud. यहाँ पर आप देखोगे एक daughter individual निकल रहा होगा, एक bud खुद ब खुद parent body से निकल रहा होता है कुछ ऐसे, और वो fully grow करके खुद ब खुद detach हो जाता है बाद में. As you can see in hydra, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पहली condition में दिख रहा है कि parent hydra आपको दिख रहा है, छोटा सा projection बाहर निकल रहा है, that is a small bud. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये bud धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, develop हो रहा है. ठीक है, third position पर आप क्या देख रहे हो कि इतना ग्रो कर गया दैट इट हैज टू डिटैच, बिकॉज एक डिफरेंट बॉडी ग्रो कर गई है, तो इट इज डिटैचिंग नाउ. तो इससे क्या हुआ, एक उनका ऑफस्प्रिंग बन गया, उनकी खुद की बॉडी से उनका जब बड प्रोजेक्ट हुआ आउट, जो उनकी बॉडी है. ठीक है, बड खुद प्रोजेक्ट हुआ बाहर एंड इट गॉट डिटैच एट लास्ट, जब वो फुली ग्रो कर गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड यू कैन से द डॉटर इंडिविजुअल. ओके, सो ये कहाँ कहाँ होता है, आपके फंगी लाइक ईस्ट में, इन हाइड्रा, ये सब बडिंग यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, ये बडिंग यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग. नाउ चाहे वो फंगी हो, ईस्ट हो, या आपका हाइड्रा हो. इफ यू वांट टू सी योर ईस्ट, लेट मी शो यू. ईस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर बेकिंग समथिंग लाइक. तो ईस्ट आप देखोगे, ईस्ट का एक सेल था, इसने एक खुद ब खुद ये बॉडी से प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं छोटे से बड को. तो जैसे ये बड प्रोजेक्ट आउट हो रहा है बाहर को, इट इज गेटिंग डिटैच एंड इट इज ग्रोइंग नाउ. ठीक है, चेन ऑफ बड्स भी बन सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही बन सकता है, दो या तीन भी बन सकते हैं. ठीक है, बाद में जब वो सेपरेट हो जाते हैं, सो दे ग्रो फुल्ली, एक फुल ईस्ट में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, सो इट इज ईजियर बिकॉज यहाँ पर एक ही आपका सेल दिख रहा है यहाँ पर. लाइक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि हम बडिंग ऐसे तो नहीं कर सकते कि प्रोजेक्ट आउट हो रहा हमारी बॉडी से ऐसे. बट येस, वहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ ए सेक्सुअली इफ यू सी दैट, यहाँ खुद ब खुद बॉडी से खुद ब खुद निकल के डिटैच हो गया, दिस इज नोन एज योर बडिंग. इसे हम कहते हैं व्हाट, बडिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी फ्रेगमेंटेशन. लेट्स सी फ्रेगमेंटेशन. नाउ फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, लाइक आई सेड, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है.
फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है. दैट इज़ इफ़ आई हैव अ ब्लॉक, लेट्स से पेरेंट का ब्लॉक है ये, ठीक है, एंड इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. लेट मी ड्रॉ दिस इन अ सेपरेट स्लाइड. ओके, सो हियर वी हैव वन ब्लॉक, ये है आपका पेरेंट का ब्लॉक एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स. और ये है क्या, ये है आपके फ्रेगमेंट. तो ये जो छोटे छोटे पीसेस आपके एक बड़े ब्लॉक में से हुए उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये फुल्ली ग्रो कर जाएगा, ये भी फुल्ली ग्रो कर जाएगा, ये भी फुल्ली ग्रो कर जाएगा, ये भी फुल्ली ग्रो कर जाएगा लास्ट में. ठीक है, सो ये हुआ कि ये ऑफस्प्रिंग्स है उसके पेरेंट बॉडी के, पर हुआ कहाँ से, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू. तो जैसे आपके कुछ एल्गे होते हैं, कुछ एल्गे होते हैं आपके जो कि ये फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं. ठीक है, कुछ एल्गेज होते हैं जो ऐसा शो करते हैं, लाइक स्पायरोगायरा, दैट आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन. Now in this method, the body of the parent breaks into the small pieces called fragments and each fragment grows up to become a new plant. Now fragmentation of the parent body occurs when they are matured. ये तभी होता है जब ये fully mature हो जाते हैं, तब जाके fragmentation खुद ब खुद करना चालू कर देते हैं. और जब उनको अच्छे से nutrients मिलते हैं ना बच्चा, तो ये और ज़्यादा fragmentation दिखाते हैं, और ज़्यादा टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे. मतलब that means वाटर और न्यूट्रिएंट्स की अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो वो और लेंगे उसको न्यूट्रिएंट्स को, और डिवाइड होंगे. अगर और डिवाइड होंगे दैट मींस बहुत सारा एल्गे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप मोस्टली मॉइस्चर के साथ देखते हो. एल्गे ग्रो होता जाता है, राइट? तो ग्रो कैसे हो रहा है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन. ओके, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन. वी हैव डन बर्डिंग, वी आर डन विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन. ओके, स्पोर फॉर्मेशन में आपका क्या है, स्पोर फॉर्मेशन में ये है बच्चा कि आपको स्पोर्स दिखेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स उगते हुए. नाउ सम फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, एंड स्पोर्स आर द स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज हैविंग अ थिक protective wall that protects them from unfavorable conditions. When favorable conditions arrive, the spores buzz and germinate to develop into the new plants. The thing is, इसमें होता क्या है बच्चा कि fungus like bread mold, आपने bread molds देखे हैं, breads में आपने देखा होगा कि आपको fungus लगी हुई दिखती है और धीरे धीरे वो अपने spores भी बनाने लग जाते हैं उसके ऊपर. That means ये जो spores हैं present in air are small spherical bodies, ये छोटी छोटी spherical bodies होती हैं. और ये जब ग्रो कर जाती है ना फुल्ली, जो आपके स्पोर्स हैं वो फुल्ली जब ग्रो कर जाते हैं, दे बर्स्ट आउट, एंड व्हेन दे बर्स्ट आउट इन फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट द न्यू प्लांट्स. नाउ आई कैन शो यू दिस. स्पोर्स आर वेरी लाइट, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, विच कैन बी कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब ये स्पोर्स ना कहीं भी विंड के वजह से, हवा के वजह से, कहीं पर भी इधर से उधर जा सकते हैं स्पोर्स. And some other plants like mosses and ferns also reproduce by spore formation in the underside of their leaves. तो आपको leaves के side में भी दिख सकते हैं spores होते हुए, ऐसे भी दिख सकते हैं आपको, जैसे bread mold में दिखते हैं. ठीक है, now you can see a bread mold है, right? इसे हम और क्या कहते हैं, rhizoplus. Rhizoplus भी कहते हैं bread mold को. ये आप देखोगे bread में ऐसे लग जाते हैं ये बिल्कुल, और ये spores करने लगते हैं, ऊपर ऊपर spores formation होनी चालू हो जाती है. जब स्पोर्स पूरी फुल्ली ग्रो कर जाती है, दे बर्स्ट आउट टू प्रोड्यूस द न्यू वंस, राइट? ये स्पोर्स कहीं पर भी ट्रैवल भी कर सकते हैं थ्रू विंड एंड एयर. ठीक है, ये कुछ 0.2 mm के होते हैं एंड आपको ये बर्स्ट होते हुए यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, वे छोटे 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 स्पोर्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यस, ये बाद में फुल्ली ग्रो कर जाता है एक नए ब्रेड मोल्ड में. ठीक है, एंड हुआ क्या है, ये इसे हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी कुछ प्लांट्स आपके, कुछ फंगस या एल्गे, यू कैन से दे कैन डू इट फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेक्सुअल, आई मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैव डन विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Now, sexual reproduction kya hota hai bacha? Like I said, there's a fusion of gametes. Fusion of gametes. Now, gametes can be female and male, so they fuse, right? So, flowers are reproductive part. आपको पहले तो सबसे पहले ध्यान किसमें देना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे कि कौन किसके साथ फ्यूज हो रहा है और क्या ग्रो कर रहा है. सो द हेल्प द प्लांट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग द फ्रूट्स एंड द सीड्स. नाउ द फाइनल केसेस कि सीड प्रोड्यूस हो जाता है और फ्रूट भी प्रोड्यूस हो जाता है. फाइनल जो सिनारियो होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. ओके, सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अ मेल सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फ्यूजेस विद द फीमेल सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. बाद में होता क्या है, जब मेल और फीमेल पार्ट फ्यूज हो जाते हैं दे फॉर्म योर जायगोट एंड उसके बाद एम्ब्रोय फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब ये फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. सो इट गोज लाइक दिस, मेल एंड फीमेल फ्यूज हो गए, उन्होंने बनाया जायगोट फर्टिलाइजेशन से और फिर बना एम्ब्रोय, वो पूरा डेवलप हो गया सीड में और सीड पूरे कवरिंग किससे हो गई, फ्रूट की कवरिंग. ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्रूट से कभी भी सीड निकालते हो उसके अंदर एम्ब्रॉय होता है टू ग्रो टू अ कम्प्लीटली न्यू प्लांट. ठीक है, सो यस, ये पूरा एक प्रोसेस है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. लेट्स सी, सो मैं हम पार्ट्स की बात कर रहे थे, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल पार्ट्स. सो दीज आर द मेल पार्ट्स एंड दीज आर द फीमेल पार्ट्स. ओके, सो मेल पार्ट्स में क्या होता है बच्चा, देर इज वन एंथर. ठीक है, देर इज वन एंथर एंड द सेकेंड पार्ट इज योर फिलामेंट. ठीक है, तो आप ये लंबी सी ट्यूब जो देखोगे ना, दिस इज योर फिलामेंट एंड जो ऊपर का पार्ट है ना, इसमें बहुत सारे आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं हमारे फीमेल पार्ट तक. ठीक है, जो ट्रैवल करने वाले वो कौन से है, पोलन ग्रेन्स. छोटे 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 पोलन ग्रेन्स आपको दिखेंगे कहाँ पर, एंथर में. एंथर कंटेन करता है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को और फिर वो जाते हैं इधर से उधर. नाउ यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल जिसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यू हैव थ्री पार्ट्स इन फीमेल. ठीक है, स्टिग्मा जो कि बहुत स्टिकी होता है, सो दैट जो भी पोलन ग्रेन्स आ रहे एंथर से, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो उसको कैच करके अंदर ला सके. स्टाइल इज अ पाथ. स्टाइल क्या, एक पाथ है जहाँ पर ओवरी तक वो पहुँचता है आपका पोलन ग्रेन. फिर ओव्यूल में जैसी पहुंच गया वहाँ बहुत सारे ओव्यूल, आई मीन जैसी वो ओवरी में पहुंचता है वहाँ बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, ये ओवरी वॉल है एंड ओव्यूल में पहुंचते ही वो फर्टिलाइजेशन चालू हो जाती है एंड देन इट फॉर्म्स जायगोट एंड जायगोट से एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से पूरा सीड और सीड से फ्रूट. तो बेसिकली हमारा मेन मैकेनिज्म क्या है कि पोलन ग्रेन्स एंथर से आपके स्टिग्मा में स्टिक हुए, स्टाइल के थ्रू गए नीचे, ओवरी में पहुंचे और ओव्यूल के साथ क्या क्या, फर्टिलाइजेशन. ओके, सो मैं आपको पहले, आगे जाने से पहले लेट मी टॉक अबाउट सेपल्स एंड पेटल्स. तो सेपल्स क्या होते हैं बच्चा, दीज आर द ग्रीनी लीफी पार्ट जो कि आपको आउटर मोस्ट सर्कल फ्लावर में दिखेगा. जैसे दिस इज योर फ्लावर, कई बार देखते हो ना आप ऐसे ऐसे लीव्स हो रखी होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स. इसे हम कहते हैं सेपल्स. और ये वाला पार्ट क्या है, जो सुंदर सुंदर आपके वो होते हैं कलरफुल, दीज आर योर पेटल्स. जैसे रोज के पेटल्स आपने देखे होंगे वही आपके पेटल्स होते हैं और जो उनके नीचे जो सपोर्टिंग लीव्स होती है उन्हें हम कहते हैं सेपल्स. ओके, नाउ यू हैव योर सेपल्स, यू हैव योर पेटल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेमन. स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो आपने देख लिया, एंथर और फिलामेंट को हम कंप्लीटली कहते हैं स्टेमन. स्टेमन क्या है, इन दोनों को मिला के हम स्टेमन कहते हैं. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर एंड ये मैं आपको बता रही थी, दीज आर द पेटल्स जिसे हम कोरोला भी कहते हैं. पिस्टल अंदर है, दैट इज द फीमेल पार्ट. ये आपका मेल पार्ट है यहाँ पर दिख रहा है आपको. ठीक है, एंड ओव्यूल्स एग्स जो हैं वो अंदर आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे एग्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर. ठीक है, ये ओवरी के अंदर है एंड दीज आर योर जो सपोर्टिंग लीव्स हैं उन्हें हम कहते हैं सेपल्स. तो बेसिकली मैं अभी आपको सिर्फ सेपल्स और पेटल्स दिखा रही थी. तो ये रहे आपके पेटल्स और ये रहे आपके सेपल्स, दीज आर द सपोर्टिंग लीव्स. ठीक है, जो फ्लावर को सपोर्ट कर रहे हैं
एंड ये आपके सुंदर सुंदर पेटल्स, ये इतने कलरफुल और अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? आपके पेटल्स इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि कोई भी आपका जो भी बी है जो कि हेल्प करती है इन पॉलिनेशन जो अभी हम पढ़ेंगे, उन सबको, बीज को और बाकी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये पेटल्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, और खुशबू भी आती है. तो फ्रेग्रेंस और कलर इसीलिए होता है सो दैट वी कैन अट्रैक्ट बीज एंड इंसेक्ट्स, ठीक है. तो पेटल्स और सेपल्स बताया मैंने अभी आपको, जो डायरेक्टली पार्ट नहीं करते रिप्रोडक्शन में, डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते रिप्रोडक्शन में, बट दे डू हेल्प इन दी प्रोसेस, ठीक है. तो पेटल्स एंड सेपल्स सही में पार्टिसिपेट तो नहीं करते बट इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. तो इसलिए मैं अभी इनकी पहले बात कर रही हूँ, फिर हम मेल और फीमेल में जाएंगे. चलिए, तो फिर फीमेल और मेल की हमने बात कर ली, ठीक है. पिस्टल होता है, पूरा पार्ट आपका पिस्टल है. दिस होल पार्ट इज योर पिस्टल, दिस होल पार्ट इज योर पिस्टल एंड दिस होल पार्ट इज स्टेमन. स्टेमन है आपका मेल का और ये है आपका फीमेल का. लाइक आई सेड, इसके तीन पार्ट्स होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. इसका होगे दो पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट, ठीक है. यहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और यहाँ पर स्टिक होंगे, फिर वो थ्रू जाएंगे ओवरी में और वहाँ पर उन्हें मिलेंगे बहुत सारे ओव्यूल्स, छोटे छोटे, और ओव्यूल्स के साथ वो फ्यूजन करेंगे, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन. अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये आपको ओव्यूल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है. इस फ्लावर में क्या है, इस फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ है. अभी हम बात करेंगे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं आपके, जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं और जिनमें अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, एक ही साथ है. अच्छा, ये रहे आपके पोलन ग्रेन्स, जो मैं बोल रही थी ना आपको, पोलन ग्रेन्स होते हैं आपके एंथर में, दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये है आपके पोलन ग्रेन्स जो कि ट्रैवल करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज योर स्टिग्मा जो कि काफी स्टिकी है, और फिर स्टाइल और फिर ओवरी में जाता है, अंदर पहुंच जाता है. तो ट्रैवल, इट कैन ट्रैवल थ्रू विंड, थ्रू इंसेक्ट्स, ठीक है. किसी भी तरीके से आपके ये पोलन ग्रेन्स ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, इधर से उधर. एजेंट्स कैन बी एनीथिंग, ट्रैवल एजेंट्स कैन बी एनीथिंग सो दैट आपके पोलन ग्रेन्स इधर से उधर पहुंच पाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट. अब आप देखोगे ना, स्टिग्मा मैंने बोलता हूँ स्टिक कर जाते हैं, यहाँ पर आ रहे पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर आके स्टिक हो गए, फिर वो स्टाइल से गए और फिर वो ओव्यूल्स में पहुंच गए और वहां से फर्टिलाइजेशन शुरू होगी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए. द टॉप पार्ट इज द पिस्टल, दैट इज स्टिग्मा, एंड इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ड्यूरिंग द पोलिनेशन. द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल विच कनेक्ट्स विद द स्टिग्मा. तो स्टाइल का कोई काम नहीं होता, स्टाइल का काम होता है सिर्फ स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना, इसे हम कहते हैं स्टाइल. तो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कौन करता है, कौन सा पार्ट करता है, स्टाइल. नाउ द सोलन बॉटम पार्ट इज योर ओवरी एंड द ओवरी कंटेन्स लॉट ऑफ ओव्यूल्स एंड स्टोर्स देम. दीज ओव्यूल्स कंटेन द फीमेल सेक्स सेल्स, यहाँ होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड द एग्स, ठीक है. इट इज अ फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर. पिस्टल इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्पल एंड पिस्टल इज सराउंडेड बाय सेवरल स्टेमन्स. नाउ द बेस ऑफ द फ्लावर ऑन विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टिकल. इसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं, बट सेपल इज इनफ. नाउ हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोलिनेशन. पोलिनेशन इज नथिंग बट जब आपके पोलन ग्रेन्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं मेल से फीमेल में, उसे हम कहते हैं पोलिनेशन, ठीक है. तो यहाँ से हुआ क्या कि आपकी जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में जाके अटैच हो गए और फिर वो नीचे गए स्टाइल के थ्रू, और वो वहाँ पर क्या क्या मिला उन्हें, ओव्यूल्स. ओव्यूल्स के बाद उन्होंने क्या किया, ओव्यूल्स के बाद हुई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन जब हुई है ना बच्चा, तो फर्टिलाइजेशन किन के बीच में हुई है, एक जो आपके पोलन ग्रेन्स थे जिनके अंदर क्या था, मेल सेल्स, और वो कनेक्ट हुए ओव्यूल्स के साथ जिनके अंदर है फीमेल सेक्स सेल्स, दैट इज योर एग. इन दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइज किया और क्या बनाया, जायगॉट. इन्होंने बनाया जायगॉट, यहाँ पर आपको दिख रहा है जायगॉट, ठीक है.
अब जाइगोट खुद स्प्लिट होता जाएगा एम्ब्रोइज में, खुद वो स्प्लिट होता जाएगा एम्ब्रोय में। आप देख रहे हो ये बिल्कुल इतना बड़ा सा हो गया है जाइगोट, तो ये स्प्लिट हो गया एम्ब्रोय में जो कि कवरिंग में आ जाता है, एक सीड की कवरिंग में। तो एक सीड के अंदर बहुत सा मतलब सीड के अंदर एम्ब्रोय होता है, ये आपका सीड। और ये किसके साथ कवर होता है? फ्रूट। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं, पूरा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, जब पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पूरा मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज हो जाते हैं, दे मेक जायगोट। जब भी आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज होते हैं, दे मेक जायगोट। एंड जायगोट बनाने के बाद इट इज कन्वर्टेड इंटू एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय कवर हो जाता है सीड की फॉर्मेशन में, और सीड कवर हो जाता है फ्रूट। ठीक है, इसलिए जब भी हम कोई फ्रूट खाते तो आप देखोगे उसके अंदर हमेशा उसके सीड्स होते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हमने देख लिया फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपका आता है फ्लावर्स में आपने एक फ्लावर देखा था ना, उसके अंदर क्या था? वहीं पर आपका एंथर था और वहीं पर आपका क्या था? फीमेल पार्ट। तो अगर आपका मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो कि आपका पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न एंड कुकुम्बर। ठीक है, ये सारे क्या आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इनके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही जगह। ठीक है, ओके। इफ आई टॉक अबाउट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, देन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं आपके, दे कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ सिंगल फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है आपके कि यूनिसेक्सुअल होता है कि आपका एक 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 करके होगा, और बाइसेक्सुअल में बाय मीन्स टू, तो दैट मीन्स दोनों ही पार्ट्स आपके फ्लावर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स वन एंड बाय मीन्स योर टू। तो आई एम सो सॉरी, यूनिसेक्सुअल इज समथिंग जिसमें आपका एक पार्ट एक फ्लावर में होगा और दूसरा वाला पार्ट दूसरे फ्लावर में होगा, तो दे हैव टू गो लाइक दिस, क्रॉस करना पड़ेगा। एंड बाइसेक्सुअल में क्या होता है? एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर हिबिकस एंड मस्टर्ड एंड रोज। तो ये आपके क्या है? हिबिकस एंड मस्टर्ड इज बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों ही पार्ट्स आपको साथ साथ दिखेंगे, पिस्टल एंड सेमन। ठीक है, एंड इफ यू सी योर व्हाट यू कॉल यूनिसेक्सुअल, तो उसमें क्या है? अलग अलग होंगे, मेल अलग और फीमेल अलग। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, मैंने आपको बताया एंथर से जब वो स्टिग्मा में जाते हैं फीमेल पार्ट में, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। इट कैन अकर इन टू वेज, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा बच्चा? सेल्फ पॉलिनेशन में ये होगा कि वो अंदर ही कर रहे, एक ही फ्लावर के अंदर हो जाए, लाइक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स से ना, दोनों पार्ट्स जब एक ही जगह हैं, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स हैं। लेट मी शो यू दिस, ये देखो ये है ना, एक ही पार्ट में आपको दोनों दिख रहे हैं, फीमेल भी और मेल भी। तो यहाँ क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, यहीं से इधर जाएगा, बस पोलन ग्रेन यहाँ से यहीं गया, इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मैं बोलूँ आपका क्रॉस पॉलिनेशन, तो व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर और द प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, यहाँ से वहां ट्रैवल करना इज क्रॉस। ठीक है, ओके, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे मैम सेम फ्लावर में तो इट्स इजी, इधर से उधर ही गया, ठीक है, इट्स वेरी इजी, बट दो अलग फ्लावर्स में कैसे करेंगे? दो अलग फ्लावर्स में होगा कि आपको पॉलिनेटर्स हेल्प करेंगे ना। पॉलिनेटर्स कैन बी एनी इंसेक्ट और एनी लाइक बी, ठीक है, या योर विंड। तो ये पोलन ग्रेन्स उड़ के भी जा सकते हैं इधर से उधर, और या कोई पॉलिनेटर हो सकता है बीच में जो इधर से उधर ले जाए। ठीक है, इसलिए हमारे पेटल्स इतने अट्रैक्टिव होते हैं, सो दैट उन्हें पॉलिनेशन में हेल्प मिल सके। तभी मैं कहती थी पेटल्स चाहे आपका डायरेक्टली हेल्प ना करे, बट इनडायरेक्टली हेल्प करते फॉर द पॉलिनेटर्स, उनको अट्रैक्ट कर सके। इसलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्टिलाइजेशन पार्ट, इसको थोड़ा मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। द प्रोसेस इन विच द मेल गेमेट फ्यूजेज विद द फीमेल वन इज नोन एज योर फर्टिलाइजेशन। ये मैंने आपको 50 बार बता दिया कि फीमेल और मेल का जब भी फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ इट क्रिएट्स जायगोट। अब व्हेन द पोलन्स आर डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा, ये जर्मिनेट होना चालू हो जाते हैं, एंड अ लॉन्ग पोलन ट्यूब, सीधे नीचे आपका पोलन ग्रेन पहुंचता है ओव्यूल्स में, दैट इज योर ओवरी के अंदर।
फिर क्या होता है, मेल गैमेट मूव करता है एंड ट्यूब एंटर्स एंड ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है लाइक दिस। जो भी मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन अंदर जाएगा, ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बनाएगा, जायगोट बनाने के बाद वो एम्ब्रॉय बनाएगा, एम्ब्रॉय के बाद क्या होगा आपका, एम्ब्रॉय के बाद होगा आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो नए प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। जब एक बार सीड बन जाए ना तो देन इट इज डन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इन टू द फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इन टू द सीड। द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज द पेटल सेपल्स एंड स्टेमन बिकम्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। ठीक है, होता क्या है, जब एक बार आपका सीड बन जाता है या जो भी आपका फ्लावर कवर कर रहा होता है उस चीज़ को, फ्रूट कवर कर रहा होता है उस चीज़ को, एक बार फ्रूट बन जाता है बाकी सब झड़ जाता है। ठीक है, सो जो फ्रूट कवर कर रहा है सीड को अंदर, एंड सीड के अंदर है एम्ब्रॉय विच हैज़ फुल पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये फ्रूट इसके आसपास कवरिंग लेके बैठ गया। तो होता क्या है, बाकी जो आपके फ्लावर्स वगैरह है वो सब झड़ जाते हैं, दे फॉल ऑफ एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑल्सो फॉल ऑफ लीविंग ओवरी ऑन द रिसेप्टिकल। The zygote inside the ovary gets into food from the ovule and grows by the cell division to form an embryo. ठीक है, zygote grow कर जाता है embryo में, ठीक है, और उसको खाना कहाँ से मिलता है, ovary के अंदर ही। Now fruits are ripened ovary of a flower which protects the seed. Now some fruits are freshly juicy, mango, apple, orange. ये सब आपने देखे होंगे जिन fruits के अंदर आपको seeds दिखती है। तो अगर आप इन seeds को plant करोगे ना तो ये fully grow हो सकते हैं उनके अपने ही plant में। ठीक है, दिस इज हाउ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय क्रिएटिंग अ सीड, एंड उन सीड को जब हम प्लांट करते हैं तो इट कैन बी क्रिएटेड इनटू अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, ओके, दिस इज हाउ एन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। ठीक है, आप फ्रूट देख रहे हो ना, दिस पार्ट इज योर फ्रूट। ठीक है, तो पूरा का पूरा ओवरी ही कन्वर्ट हो गया फ्रूट पार्ट में, और उसके अंदर है आपका सीड, सीड के अंदर है एम्ब्रॉय जो कि जायगोट से फॉर्म हुआ। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड। लास्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ द सीड। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। होता क्या है, जब आपका सीड आपने अंदर लाइक मॉइस्ट सॉइल के अंदर आपने उसको बरी कर दिया, यू आर प्लांटिंग इट, आप उसको पानी दिए जा रहे हो, थोड़ी दिनों बाद आप देखोगे कि उसके अंदर रूट सिस्टम ऐसा निकलना चालू हो जाएगा। सो फेवरेबल कंडीशन के अंदर अ सीड कैन जर्मिनेट एंड इट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम इट्स सीड। वेन द सीड जर्मिनेट्स द सीड कोट स्प्लिट्स एंड अ टाइनी रूट कॉल्ड रेडिकल, एक रूट सा निकलेगा आपका, उसे हम कहते हैं रेडिकल, जो कि नीचे की तरफ जाएगा, जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाएगा। एंड जो आपका शूट सिस्टम है दैट इज कॉल्ड प्यूमिल स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड्स। शूट सिस्टम ऊपर ग्रो करने लग जाता है और रूट सिस्टम नीचे को जाने लग जाता है। तो दिस इज हाउ एक सीड से यू कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, द सीडलिंग ग्रोज फास्टर अल्टीमेटली फॉर्म्स अ न्यू प्लांट व्हेन द प्लांट स्टार्ट्स मैच्योरिंग इट बेयर्स अ फ्लावर। तो वही सेम सिस्टम आपका चालू हो गया वापस से। आपने क्या किया, मैं एक बार समरी बता देती हूँ आपको। आपने कुछ नहीं किया, आपने नॉर्मल जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें हुआ क्या है कि आपका जो नॉर्मल था एंथर से, चाहे क्रॉस हो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो, पोलन ग्रेन्स गया स्टिग्मा में, स्टिग्मा से गया वो स्टाइल में, स्टाइल के होते हुए उसके थ्रू होते हुए, उसके बाद वो गया ओवरी में, ओवरी में ओव्यूल्स थे तो वो फ्यूज हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन, क्या फॉर्म हुआ आपका, जायगोट। ठीक है, ये फॉर्म हुआ आपका जायगोट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर जायगोट के बाद वो किस में बना, आपका एम्ब्रॉय में। ठीक है, दिस इज द होल सीड, ये पूरा सीड में कन्वर्ट हो चुका है। अब होगा क्या कि ये सीड किस में जाएगा, लेट मी ड्रॉ हेयर, ये सीड की कवरिंग आएगी, फ्रूट कवरिंग क्या आएगी, फ्रूट कवरिंग। ठीक है, पूरा जो सीड था आपका जिसके अंदर एम्ब्रॉय था, पूरा फ्रूट के साथ कवर हो जाएगा, इससे फ्रूट कवरिंग। तो
तो हुआ क्या कि सीट के अंदर पूरा बाहर क्या हो गया, फ्रूट की कवरिंग हो गई और अंदर क्या है, एम्ब्रॉयड। ये ग्रो कर जाएगा वापस से आपके एक न्यू प्लांट में। फिर न्यू प्लांट आपका पूरा शूट सिस्टम, पूरा रूट सिस्टम बनाएगा वापस से। फिर वापस से ही आपका ये सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। दिस इज द होल फ्लो चार्ट। हालांकि हम न्यू प्लांट के बाद पूरा प्रॉपर ढंग से लिख सकते हो एंथर और स्टिग्मा का, बट दिस इज द होल प्रोसेस कि हुआ क्या बेसिकली। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि आपका पूरा ओवरी कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर फ्रूट में। ठीक है, या पूरा लिख सकते हो आराम से। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो ऐसे। ओके, सो दिस इज द होल चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो लेट मी टेल यू अबाउट द फीचर्स दैट अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू। प्लस में क्या है, यू गेट द घर का कम्फर्ट। ठीक है, यू गेट ऑल द कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, PDF होता है, प्रैक्टिस टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट सीरीज है, बैच कोर्सेज आर देयर। सो दिस ऑल कम्स इन द प्लस। एंड ऑल्सो यू हैव अ फीचर ऑफ रेज अ हैंड वे यू कैन एक्चुअली टॉक टू द एजुकेटर। ठीक है, एंड दीज आर द प्राइजेस। 3 months, 6 months, 12 months, 15 months के लिए नो कॉस्ट EMI देयर। ठीक है, आराम से दो अगर आप लेना चाहते हो। यू कैन यूज माई कोड SMRANA टू गेट 10% ऑफ। एंड ऑल्सो इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स का कनेक्शन रहता है, स्टडी प्लानर रहता है एंड ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्लस। तो प्लस के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसके प्राइस ऑफ कोर्स डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। नो कॉस्ट EMI देयर अगेन एंड यू कैन अगेन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ। 3 months, 6 months, 12 months के प्राइस आपके सामने दे रखे 12,000, 17,000 and 28,000। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद everyone, with all your friends, subscribe the channel for all the updates and let's crack it in an academy. Please take care of yourself. Bye bye.